चीजें होती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिनको रिमूव करना बहुत जरूरी है, वो होते हैं गम पार्टिकल्स, वो रिमूव होते हैं फास्फोरिक एसिड से। उसी जगह फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसी जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब आप एक जगह अल्कली इस्तेमाल कर रहे हैं, एक जगह एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों न्यूट्रलाइज हो गए। दोनों जहां आपको 50 रुपए की रिक्वायरमेंट थी, वहां 150 रुपए की केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इतना सेंस नहीं है। तो मैंने कहा भाई क्यों क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? लेकिन क्यों का जवाब उनके पास इसलिए नहीं होता कि वो जो फोरमैन होता ना, वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं होता। उससे पूछो भाई ट्यूब का डाया कितना, कहता सर इन्ना बोर इन्ना डाया, है ना, वो ऐसे क्यों काम करेगा। फैक्ट्री का मालिक पढ़ा लिखा आदमी रखता नहीं है कि राजदर का देनी पड़ेगी, और पढ़ा लिखा आदमी जो है वो कहता है कि मुझे कुर्सी भी चाहिए टेबल भी चाहिए, और पढ़ा लिखा आदमी मालिक के घर फैक्ट्री का जो ऑनर है उसके घर का पेट्रोल भी ला के नहीं देगा, वो फिर फोरमैन पेट्रोल भी ला कर देगा, समझे, उसको कुर्सी मेज भी नहीं चाहिए, जमीन पर बैठ के सारे काम भी कर लेगा। तो मालिक के लिए तो वो आदमी ज़्यादा बेनिफिशियल है जो उसके घर के काम भी कर सके, ठीक है ना। तो ये हमारा एक ड्रॉबैक है पाकिस्तान का ना सबसे बड़ा। तो अब आ गई, आ जाइए आप आगे कि आपने रिवर ऑस्मोस पे चले गए हम, ठीक है ना, रिवर ऑस्मोस पे चले गए। रिवर ऑस्मोस का बेटा आप इनको वो ड्राइंग भेज दें, ठीक है, उस ड्राइंग को आप देख लीजिए, उसको आप अपने आप कोशिश करके कर लीजिए, आपका तमाम पानी जीरो डिस्चार्ज पर चले जाएंगे, आप जीरो डिस्चार्ज पर चले जाएंगे। अब बीच में एक बात मुझे और याद आ गई, ये आपने 15 क्यूबिक मीटर पानी था, ये कितना था 15 क्यूबिक मीटर, आपने 5 क्यूबिक मीटर से अपना काम कर लिया, जो 5 क्यूबिक मीटर पानी आया आपके पास वो वेस्ट में चला गया, ऐसी है ना, कोई जरूरत नहीं उसको वेस्ट में फेंकने की, किसी जगह सेपरेशन टैंक बनाइए उसमें ले जाइए पानी, ठीक है, उसमें ले जाए उस पानी को, एक एडिशनली काम कर लें उसके अंदर कि उसको पानी को ले जाए और ले जाने के बाद उसको एल्यूमिनियम सल्फेट से ट्रीट कर दें। कैसे ट्रीट करेंगे? एल्यूमिनियम सल्फेट से। एल्यूमिनियम सल्फेट से जब आप ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, ये एल्यूमिनियम सल्फेट आपने इसको पानी में डाल दिया, डिसॉल्व कर लिया, क्या बन गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 बन गया, ठीक है। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपका जो है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नेगेटिव चार्ज रखता है, ये उन पार्टिकल्स को जो आपके पानी के अंदर टर्बिडिटी कहलाती है, जिसको आप कोलाइडियल पार्टिकल्स भी कहते हैं, उनको अट्रैक्ट करेगा और इस तरह के फ्रॉग बन जाएंगे, ठीक है। जब ये फ्रॉग बन जाएंगे तो इनकी ग्रेविटी बढ़ जाएगी, जब बढ़ जाएगी तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो हम क्या कहते हैं कि क्लैरिफिकेशन का पहला स्टेज क्या है, कोएगुलेशन। क्या चीज? कोएगुलेशन। कोएगुलेशन क्या है कि ये आपने काम कर लिया, इसको और ले लें कोएगुलेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसका काम है फ्लॉकुलेशन, जो ये फ्लॉक बने, और तीसरा काम ये है कि सेडिमेंटेशन, कि जब वो नीचे सेटल डाउन हो गए। क्लैरिफिकेशन जो है उसको हम डिवाइड करते हैं तीन हिस्सों में, कोएगुलेशन, फ्लॉकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन। अब ये तमाम सेडिमेंट्स इसके नीचे जमा हो गए, ठीक है, ये पानी अगेन फॉर रीलेवल हो गया 100% अगेन। ये अब आपके पास यहाँ पर ये तमाम जीरो, ये आपने पूरा 15 क्यूबिक मीटर पानी जो है आपने सेव कर लिया, ठीक है। आगे ना समझ में, कितना आसान सा मैथमेटिक्स है। अब आप मुझे ये तो पूछे ना यार, ये तो पूछ ही नहीं रहे आप, क्या हम एल्यूमिनियम सल्फेट डालेंगे कितना, केमिस्ट कौन है इसके लिए, मैं मुझे जरा इनको पूछ लिया जाएगा, केमिस्ट को कितना डालेंगे सर? वाटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, वाटर आप बता दो आपके सामने नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आप हम स्वाति तो काम करते हैं, कौन का मसला है। तो आप हमसे सीनियर, हम आपसे एल्यूमिनियम सल्फेट डालने से पहले अपने उस रॉ वाटर जो आपका ये जो टैंक में पानी जमा है, मैं टैंक की ड्राइंग बना दूं, ठीक है ना,
जहां इसका एक फुट ऊपर सक्शन दे दें ताकि जो सेडिमेंट है ना वो इस जगह जमा हो जाए, ठीक है ना, मट्टी इसके साथ भी है, भर गए। अब आपने इसका सैंपल निकालना है, पानी का सैंपल ले लिया, और आपने सैंपल लेने के बाद क्या किया, इसमें सल्फेट चेक करना है, क्या करना है, एसओ फोर चेक करना है। अब पता नहीं कैसे करते हैं एसओ फोर आप लोग चेक, ठीक है ना। वैसे तो मैंने आप लोगों की टेस्टिंग पकड़ी है ना, वो तो सूरी तौर पर तो इन्होंने मेमूना को पकड़ना चाहिए जो काम मैं कर रहा हूँ। ये हमारे बेटियों की तरह बहन है हमारी छोटी, माशाल्लाह शी इज वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी कॉम्पिटेंट, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसमें एक शाइनिंग स्टूडेंट है ना। तो थोड़ी सी तवज्जो, क्या कहते हैं, थोड़ी सी तवज्जो इधर भी हो जाए तो ये इनका भी भला हो जाएगा, और इनका भला होगा तो कौम का भला हो जाएगा। तो हम अपनी नज़र जो नियत रखें अपने कौम के भलाई की तरफ रखें। अच्छा बेटा, अब आप कैसे करते हैं एल तरीक़ाकार, आप है ना केमिस्ट बेटा? जी जी, लेकिन एनालिसिस परफॉर्म करते हैं ना, मैं क्यूए मैनेजर हूं ना, तो एनालिसिस परफॉर्म दोनों मिलकर कर लेना, जहां परेशानी हो मुझे बता देना, ठीक है बेटा? किट से कर रहे होते हैं सर, पास किट से सल्फेट की। अच्छा बच्चा, अच्छी बात है, आप लोगों को तो पैसा जाया करने का इतना शौक है ना नेस्ले को, तो क्योंकि कमा बहुत रहे ना पाकिस्तान से, इसलिए वरना ये आसान मैथमेटिक्स से। आपको सल्फेट की एनालिसिस के लिए क्या चाहिए होता है, तीन चीजें चाहिए होती है, सोडियम क्लोराइड, ग्लिसरॉल, और तीसरा बेरियम क्लोराइड। इसमें क्या चाहिए आपको, हैं? एन बाई 50 का बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाए, समझे, 5% ग्लिसरॉल बनाए और 3% सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाए, दोनों डालें, उसके बाद आप उसका कंप्लेक्स बनाए बेरियम क्लोराइड से, ठीक है, और बनाने के बाद एक ग्राफ बना लें, नॉन ग्राफ, आराम से आपका मैथमेटिक्स। आप क्यों आप मंगाते, पैसा बहुत है, यावर साहब से बात करूंगा मैं, जुम्मे जाऊंगा ना मैं अभी लाहौर, तो मैं आपके चेयरमैन साहब को थोड़ा ठीक ठाक तरीके से बताऊंगा कि आप लोगों का पैसा बहुत है, क्योंकि आप कमा बहुत रहे ना। ये बेचारी गरीब सारा दिन नौकरी करती है, इसको मिलते हैं 80,000 रुपये, 80,713 रुपये तनख्वाह इसकी है, और जो आप लोग कमा रहे हैं वो 8 लाख रुपये कमा रहे हैं। अगर आप लोग शरारत ना करें, आई थिंक गवर्नमेंट जॉब्स के बाकी भी इनटैंजिबल बेनिफिट्स, हां तो गवर्नमेंट जॉब